में ऊपर धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु में सच्चाई है, झूठे उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर धरती पे नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु में सच्चाई है, झूठे उसमें कुछ नहीं। तेज सजाओ, ढोल बजाओ, आवाज उठाओ सभी, पाप निकालो, स्थान बनाओ, दिल तैयार कर अपने। लहू में सावट है, ये सबूत है उसका, बिन किया और घर में लायक शब्दों में ही नहीं। उसके लहू में सावट है, ये सबूत है उसका, प्रेम किया और घर में लायक शब्दों में ही नहीं। इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका, और कोई नहीं उसके जैसा, और कोई नाम नहीं। आप जहां भी बैठे हैं अपने परिवार वालों के साथ साथ में गा सकते सॉन्ग से। एक ही सच्चाई है, वो है यीशु। सिर्फ एक ही नाम है, वो है यीशु। एक ही नाम है जिससे हम उद्धार पा सकते हैं, एक ही नाम है जिससे हम स्वर्ग जा सकते हैं, एक ही नाम है जिसके द्वारा हमारे पापों की क्षमा है। एंड दैट नेम इज द नेम ऑफ जीसस। मेज सजाओ, ढोल बजाओ, आवाज उठाओ सभी, पाप निकालो, स्थान बनाओ, मेज सजाओ, ताली बजाओ, दिल तैयार कर अपने। पाप हटाओ, स्थान बनाओ, दिल तैयार कर अपने।
उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका। प्रेम किया और कर मिलाया, केवल शब्दों में ही नहीं, मेरे साथ आए। उसके लहू में सामर्थ है, ये सबूत है उसका। प्रेम किया और कर मिलाया, केवल शब्दों में ही नहीं, इसलिए वो है महाराजा, जीवन नाम उसका। और कोई नहीं उसके जैसा, और साथ साथ में Let's continue to worship the Lord through our giving. आइए हम लोग प्रभु की आराधना करते रहेंगे अपने देने के द्वारा. If the Lord is putting something in your heart, you can use the numbers on the screen to give unto the house of the Lord. अगर प्रभु आपके दिल में डाल रहा है तो आप स्क्रीन में दिए गए अंकों का प्रयोग करके प्रभु को दे सकते हैं. I welcome you all again to another service. हम एक और रविवार के दिन आपका स्वागत करते हैं, या जिस किसी भी दिन आप मुझे सुन रहे हैं, I welcome you. और आज हम लोग बाइबल में से देखेंगे शारीरिक पवित्रता के बारे में. You know, actually we are going to see about physical holiness. Now, when you talk about physical holiness, it's got nothing to do with how you look like, what's the color of your skin, or what kind of hair you have, or you know, किस तरह से आपने क्या डाला हुआ है, किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं. But today I want to talk about the holiness that is related to your body. मैं उस पवित्रता की बात करना चाहूंगा जो कि आपके शरीर के अंदर से जुड़ा है. और मैं ये मानता हूं, और बाइबल में इसके स्पष्ट उदाहरण दिए गए हैं, कि जो पाप आपको सबसे ज्यादा शारीरिक रूप से खराब कर सकता है, द सिन दैट कैन कॉज द मैक्सिमम डैमेज टू योर बॉडी इज एडल्ट्री. व्यभिचार जो है वो सबसे बड़ा शारीरिक पाप है जो कि आपके शरीर को खराब कर सकता है और आपके शारीरिक पवित्रताई को पूरी रीति से हटा सकता है या खत्म कर सकता है. सो टुडे आई वांट टू शेयर अबाउट दैट, और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा आज. और इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम किसी भी चीज का डिजाइन खराब कर देते हैं, अगर हम किसी भी चीज की रचना जिस कारण से हुई है उस कारण को हम खराब कर देते हैं, तो हम उसके होने का जो तात्पर्य है, या उसके होने की जो परिभाषा है, या उसके होने का जो कारण है, उसको खत्म कर देते हैं. यू नो, इफ यू स्पॉइल द डिजाइन ऑफ समथिंग, यू स्पॉइल द पर्पस. एंड व्हेन यू स्पॉइल द पर्पस, you spoil the thoughts and visions of the creator who created that. जो रचना है उस रचना का उद्देश्य अगर आप बदल देते हैं, तो आप फिर उस रचनाकार का, जिसने की रचना किया है, उसका उद्देश्य जो है वो बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं. You know, you kind of do away with whatever that what was the sole reason for the creation of that. उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे हाथ में एक हेडसेट है, लीड है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए मुझे मोबाइल में डालना होता है, और मोबाइल के बाद मैं इसे अपने कानों में डाल सकता हूँ. इससे मुझे यू नो, अगर मैं गाना सुनना चाहता हूँ या किसी से बात करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ. बट थिंक ऑफ इट दैट सपोज आई डू नॉट वॉन्ट टू यूज दिस फॉर दैट पर्पज, आई वॉन्ट टू यूज इट टू tie up things.
मैं इसका प्रयोग जो है वो बांधने के लिए करता हूं. सो द क्रिएटर जिसने भी इसकी इसकी रचना की है उसने इसकी रचना बांधने के लिए नहीं की गई है. द वन हु हैज क्रिएटेड दिस हैज नॉट क्रिएटेड दिस टू बी टाइड यू नो टू बी यूज्ड एज अ नॉट टू बी यूज्ड एज अ स्ट्रिंग दैट इज सपोज्ड टू जॉइन टू थिंग्स यू नो दैट्स नॉट द पर्पस ऑफ द क्रिएटर हियर. द पर्पस ऑफ द क्रिएटर इज सो दैट आई गेट अ डिजिटल साउंड फ्रॉम माई फोन. इसका रचना जो करने वाला है उसका उसकी कोशिश ये है कि वो मुझे एक बहुत अच्छा साउंड मेरे फोन से सुनाई दे मुझे. ये उसका रचना करने वाला चाहता है. लेकिन अगर मैं इसके डिजाइन को बदल देता हूं, अगर मैं इसको रस्सी बना देता हूं, तो उसका जो पर्पस है जिसके वजह से उसने ये बनाया है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है. यू नो इट कंप्लीटली गेट्स चेंज. नाउ वी इंडियंस आर वेरी जुगाड़ू. वी मेक श्योर दैट यू नो वी यूज एवरी थिंग दैट वी हैव. हम लोग जो है ये कोशिश करते हैं कि जो भी चीज हमारे पास है उसका हम पूरा प्रयोग कर लें. और अगर ये खराब हो जाता है तो डेफिनेटली आप इसके बाद इसका प्रयोग कर सकते हैं. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि रचनाकार जो है वो हमेशा किसी भी चीज की रचना कोई खास कारण से करता है. यू नो देयर सर्टेन principles that he wants to operate, there are certain things he wants that object or his discovery item to do for the community he has discovered it for. जो भी चीज रचना की जाती है, जो भी चीज बनाई जाती है, उसका एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही वो बनाया जाता है. So I want to tell you that you know the devil tries to change the purpose. शैतान जो है वो हमेशा जो उद्देश्य है उसको खत्म करना चाहता है. और यही कारण है कि व्यभिचार के इतने सारे पाप जो है वो जगत में है. यू नो दैट्स अ रीजन व्हाई देयर सो मच ऑफ एडल्ट्री इन द वर्ल्ड. बोथ थॉट एडल्ट्री, साइट एडल्ट्री, हार्ट एडल्ट्री एंड फिजिकल एडल्ट्री. मैं आपको बताना चाहता हूं इसी तरह से व्यभिचार जो है वो कई किस्म के उसने धरती पे डाल रखे हैं. जैसे सोच का व्यभिचार या देखने का व्यभिचार या दिल में सोचने का व्यभिचार या यू नो शारीरिक व्यभिचार जब आप उस कार्य के अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं. सो यू नो All these things are actually ploys of the enemy to destroy the purpose of our body. शैतान जो है वो इस चीज को इसलिए बनाता है ताकि हमारे शरीर का जो उद्देश्य है वो उस उद्देश्य को खत्म कर सके. So to understand the holiness of our body, we need to understand marriage really well. अगर आप पवित्रताएं चाहते हैं अपने शरीर के अंदर तो आपको विवाह को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड दिस मैसेज आई विल ट्राई टू ड्रॉ सम पैरेलल लाइंस बिटवीन मैरिज एंड सैल्वेशन. मैं उद्धार और विवाह इसके बीच में कुछ समानताएं आपको बताऊंगा. और जब इन समानताओं को समझेंगे तब आप समझेंगे कि ये पवित्रता ही अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं. सो द फर्स्ट पैरेलल दैट आई वांट टू ब्रिंग आउट, मैं पहला जो बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं कि जब आप विवाह करते हैं, whenever you get married, you declare that you have found the right person and till death do us part, we are not going to part ways. जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे तब तक हम साथ रहेंगे. इस तरह से आप वायदा देते हैं. You know that's what as pastors also we make two people you know say vows and pledges to each other, saying making all these commitments to each other. जिस तरह से हम लोग जब शादी देते हैं तो उस समय ये बातें हम एक दूसरे से कहलवाते हैं. नाउ द सेम थिंग हैपेंस व्हेन यू डिसाइड टू फॉलो जीसस. यही चीज होता है जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं. जब आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं उस समय आप प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मैं तुझे अपना जीवित उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं और तेरे अलावा और कोई नहीं है. यू नो आई मेक अ कमिटमेंट दैट जीसस आई हैव अंडरस्टूड हु द रियल गॉड इज. आई हैव अंडरस्टूड हु द क्रिएटर गॉड इज. आई हैव अंडरस्टूड दैट यू डाइड फॉर माय सिंस. आई एक्सेप्ट यू एज माय लॉर्ड एंड सेवियर एंड बियॉन्ड यू आई एम नॉट लुकिंग एट एनी अदर सॉल्यूशन. मैं और कोई भी तरीका नहीं सोच रहा हूं आपके अलावा. यू नो लाइक व्हेन आई एक्सेप्टेड जीसस एज माय लॉर्ड एंड सेवियर पोस्ट दैट आई एम नॉट लुकिंग फॉर एनीबॉडी एल्स. मैं किसी और की तरफ नहीं देख रहा हूं और किसी और की खोज में भी नहीं हूं. आई एम नॉट इवन इन सर्च ऑफ समबडी.
यू नो एंड दैट्स व्हाट समटाइम्स इट अमेजेस मी. कई बार मुझे ये बहुत आश्चर्यचकित करता है जब कुछ लोग प्रभु में आ जाते हैं, कई बार उनकी खोज भी जारी रहती है कि कहीं कोई और भी मिल जाए, कहीं और भी काम हो जाए, कहीं और से कुछ यू नो शायद वो प्रार्थना वहां पे सुनी जाए. यू नो ऑल दीज थिंग्स जस्ट टेल अस दैट वी हैव नॉट 100% फेथ ऑन जीसस. अगर कोई भी ये कार्य करता है इसका ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह मैं उसका 100% भरोसा नहीं है. आई वांट टू टेल यू दैट जीसस इज एन एक्सक्लूसिव गॉड. मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह को आप कई और भगवानों के साथ नहीं मान सकते. बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं चरवाहा हूं, जितने मेरे पीछे आए वो सारे के सारे चोर या डाकू थे. यू नो जीसस सेज दैट आई एम द गुड शेपर्ड, ऑल दोज हु केम बिफोर मी वर थीव्स एंड द शीप डिड नॉट फॉलो देम. एंड जीसस इज वेरी क्लियर इवन व्हेन ही सेज दिस पॉपुलर वर्स दैट आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ, नो वन गोज टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी. जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, इसका ये अर्थ है कि हम प्रभु यीशु मसीह के अलावा और किसी के पास नहीं जा सकते. एंड दैट्स व्हाट पीटर आल्सो सेड. पत्रस ने भी यही कहा. पत्रस ने यह कहा कि प्रभु हम कहां जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, उद्धार की बातें सिर्फ तुम्हारे पास है. सो द फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इन रिगार्ड्स टू आवर फिजिकल होलीनेस दैट द वे वी एक्सेप्टेड जीसस एज आवर लॉर्ड एंड सेवियर वंस, सिमिलरली वी ऑल नीड टू गेट मैरिड वंस एंड वी ऑल नीड टू लिव विद वन पर्सन. हमें एक व्यक्ति के साथ रहना है, हमें मल्टीपल व्यक्ति के बारे में सोचना नहीं है. यू नो दैट्स व्हाई बाइबल देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डिवोर्स इन द बाइबल. डिवोर्स इज ओनली पॉसिबल इफ एडल्ट्री हैपेंस. बाइबल में सिर्फ एक ही कारण है जिसके वजह से तलाक हो सकता है, वो है व्यभिचार का होना. सो टिल द टाइम नथिंग हैपेंस देन देयर इज ओनली वन रीजन why they can be separated, that's death. सिर्फ एक ही कारण है जिसकी वजह से वो टूट सकता है, उनका विवाह टूट सकता है, वो है मृत्यु. जब तक मृत्यु हमें अलग ना करे. So that's the first thing I want to bring out, that the way in salvation, when you understand that Jesus is the Lord, he is the only God, he is one God that you are supposed to follow. At the same time, when you get married or you are looking to get married, you understand that this is one person I want to spend the life with, you know. And that's why the search is over. इसीलिए जैसे आप विवाह करते हैं उस समय आपकी सारी खोज जो है वो खत्म हो जाती है. You know, it's the end of the search. So the way it happened with me, when I found Jesus, my search was over. When I found my wife, my search was over. You know, जिस तरह से मैंने अपनी पत्नी को पाया, जिस तरह से मैंने प्रभु यीशु मसीह को पाया, उस तरह से मेरी सारी खोज जो है वो उसी समय खत्म हो जाती है. और इसी तरह से आप अपने शरीर को पवित्र रख सकते हैं जब आप इस बात को समझेंगे कि मेरी खोज खत्म हो चुकी है मेरी पत्नी के साथ, या अभी जो मैं खोज रहा हूं वो एक दिन मेरे पत्नी के साथ खत्म होगी. तब तक मैं उस खोज में अपने प्रेम को नहीं बिखराऊंगा. एंड आई विल नॉट बी टेम्प्टेड बिफोर मैरिज, रादर आई विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वन वाइफ वन हस्बैंड, ताकि मैं इस कॉन्सेप्ट को एक 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 पति एक पत्नी इसको मैं पूरे अच्छे तरह से समझ पाऊं. नाउ मेनी ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू मी माइट हैव हैड सम हार्ड मैरिजेस एंड यू नो यू आर नो लॉन्गर टुगेदर विथ योर स्पाउस. ऐसा हो सकता है कि जो कुछ लोग जो मुझे सुन रहे हैं, हो सकता है कि आपका शादी बहुत अच्छा नहीं चला और अब भी आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हैं. एंड यू नो आई वॉन्ट टू टेल यू दैट वॉट हैपेंड डेफिनेटली इज नॉट गॉडली. जो भी हुआ वो पवित्र चीज नहीं हुआ. बट सपोज देर वॉज डोमेस्टिक वायलेंस और देर वॉज यू नो सम रियल इश्यूज इन योर मैरिज, देन द बाइबल अगेन सेज दैट यू नो देर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बींग सेपरेटेड. उस समय एक कॉन्सेप्ट है सेपरेशन का, जिसमें कि यू नो यू डोंट गेट डिवोर्स बट यू आर मैरिड बट यू आर नॉट लिविंग टुगेदर. आप एक साथ नहीं रह रहे हैं लेकिन चूंकि समस्याएं हैं इसलिए आप अलग अलग रह रहे हैं. बट इन दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू रियली प्रोटेक्ट योर होलीनेस. आपको अपना पवित्रता ही पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके रहना है. यू नो दैट्स द रीजन व्हाई व्हेनेवर पीपल हु आर नॉट लिविंग टुगेदर, हस्बैंड एंड वाइफ हु आर नॉट लिविंग टुगेदर, और मे बी यू नो बिकॉज ऑफ अ जॉब पोस्टिंग एंड ऑल दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, या हो सकता है नौकरी की वजह से वो लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं. यू नो आई ऑलवेज यू नो इनकरेज दीज पीपल दैट यू हैव टू बी एक्स्ट्रा
you know, careful in this area because you're really vulnerable in this time. You know, आप बहुत ही ज़्यादा शैतान के रेडार में हैं इस समय, इसलिए क्योंकि आपको अभी अपने पत्नी का या अपने पति का कवरिंग नहीं मिला हुआ है. You are not protected under your wife or your husband, so you really need to guard your heart, you need to guard your life and protect the holiness of your body because God sees adultery as unholiness. परमेश्वर जो है वो व्यभिचार को बहुत ही कुदृष्टि से देखता है. वो मानो व्यभिचार से ईर्ष्या करता है. You know, he doesn't like adultery. And lot of people say, कई लोग ये बोलते हैं कि सारे पाप एक जैसे होते हैं. But Bible doesn't tell us that all sins are the same. You know, and that's why in the law of Moses there were different laws against different sins. But you know, we have to understand that we all are sinners. हम लोग को ये समझना है कि हम लोग सब लोग पापी हैं. लेकिन हम लोग को साथ ये भी समझना है कि सारे पाप बराबर नहीं हैं. And adultery and murder is something which is really horrible in the eyes of the Lord. ये जो दो पाप हैं ये परमेश्वर के नजर में बहुत ही ज्यादा ये घोर हैं. एंड द ब्लड ऑफ जीसस एंड द सैल्वेशन ऑफ जीसस कवर्स अस फॉर एवरीथिंग. हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे सारे पापों के लिए क्रूस कार्ड पे जान देता है. बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एडल्ट्री इज समथिंग दैट वी कांट बी रिपीट ऑफेंडर्स ऑफ दैट. यू नो, हम लोग लगातार इस पाप में अपने जीवन को नहीं बिता सकते हैं. और इसीलिए इतना स्ट्रेस दिया हुआ है. पॉल एक्चुअली रादर सेज दैट ऑल द सिंस दैट यू कमिट आर आउटसाइड द बॉडी बट दिस इज वन सिन दैट यू कमिट अगेंस्ट योर ओन बॉडी. और इसीलिए पॉलस ये कहता है कि सारे पाप जो तुम करते हो वो तुम शरीर के बाहर करते हो, लेकिन व्यभिचार जो तुम करते हो वो तुम अपने शरीर के विरुद्ध उन पापों को करते हैं. सो माई एडवाइस टू ऑल द पीपल हु आर नॉट लिविंग विद देयर हस्बैंड्स राइट नाउ, फर्स्ट इफ रिकंसिलिएशन कैन हैपन वेरी गुड, गो फॉर इट, वर्क फॉर इट. यू नो, आप उसके लिए कार्य करें. अगर रिकंसिलिएशन हो सकता है तो आप कार्य करें. लेकिन अगर मान लीजिए रिकंसिलिएशन नहीं हो सकता, आपको लगता है कि आपने के पर्सनैलिटी क्लैशेज इतने ज्यादा हैं कि आप साथ नहीं रह पा रहे हैं, देन यू हैव टू रियली गार्ड योर हार्ट. दिस इज अ टाइम ऑफ अल्ट्रा होलीनेस. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कांट एक्सपोज योर सेल्फ टू अ स्ट्रेंजर, यू कांट एक्सपोज योर सेल्फ टू अ फ्रेंड. आप अपने पवित्रता को पूरी तरह से बांध करके रखें, इसलिए क्योंकि आप अभी बहुत ही वर्नरेबल हैं. यू नो दैट यू आर सो मच एक्सपोज टू ऑल द टेम्पटेशंस ऑफ द वर्ल्ड. यू नो, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर लिविंग अलोन, देन यू नो नोबडी कैन कंट्रोल यू. यू हैव एवरीथिंग दैट यू कैन डू. यू नो, सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स यू नीड टू कंसिडर एंड अंडरस्टैंड दैट सेक्स इज समथिंग दैट कैन ओनली हैपन इनसाइड द मैरिज. कि यौन क्रिया जो है वो सिर्फ विवाह के ही बंधन में हो सकती है. यू नो, सो दैट्स अनदर थिंग दैट यू नो ऑल द पीपल हु आर नॉट लिविंग विद देयर स्पाउसेस नीड टू कंसिडर, नीड टू जस्ट कीप इट वेरी हाई इन देयर लाइफ्स. और इसीलिए मेरा इंस्ट्रक्शंस ये है कि आपको बहुत ही ज्यादा अकाउंटेबल रहना है, खासकर यू नो अपने दायित्व को देना है, अपने दायित्व को समझना है दूसरे को प्रति. और जो आपके मसीही भाई बहन हैं उनके साथ कांटेक्ट में रहना है, जो कि आपको सही राह पे चलाएं और जो कि कॉन्स्टेंटली आपको बताते रहें अगर आप थोड़ा सा अलग जा रहे हैं, खासकर इस क्षेत्र में, व्यभिचार के क्षेत्र में. सो रिगार्डिंग होलीनेस वी हैव सीन फर्स्ट इज वी आर ड्रॉइंग आउट पैरेलल्स फ्रॉम सैल्वेशन. वी सी दैट when Jesus happened in our life, it was like a lifetime, once in a lifetime incident. Similarly, marriage is supposed to be once in a lifetime incident. और दूसरी चीज हमने ये देखा, जो यौन क्रिया है वो सिर्फ विवाह के ही गठबंधन के अंदर हो सकती है. You know, that's why all the people who are not married or who got married but not living with their spouses right now, you can only have sexual life अंडर द बैनर ऑफ मैरिज. आप जो विवाह का बंधन है उसी के अंदर इस कार्य को कर सकते हैं. एंड दैट्स अगेन पैरेलल फ्रॉम द वर्ड ऑफ द लॉर्ड दैट जो उपासना है, जब हम उपासना करते हैं हम बिल्कुल खो जाते हैं. यू नो, आई फाइंड इट यू नो लाइक व्हेन वी गॉट मैरिड टू जीसस, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा विवाह होता है, जब हम उद्धार को पाते हैं, उसके बाद जो हम आराधना करते हैं, जो हम खुल करके उसकी स्तुति तारीफ करते हैं, जो हम एक्शंस के साथ उसकी स्तुति आराधना करते हैं, हम प्यार के गीत उसके लिए गाते हैं, ये हमारा वो क्रिया है, वो प्रेम का क्रिया है अपने परमेश्वर के साथ. एंड सिमिलरली यू नो सेक्स इज दैट
लव एक्ट पोस्ट मैरिज और अंडर द बैनर ऑफ मैरिज. इट कैन बी डन आउटसाइड मैरिज विच इज nowadays preached. आजकल बहुत ज्यादा इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये तुम्हारा डिसीशन है, तुम्हारा बॉडी है. लेकिन बाइबल के अनुसार ये जो एक्ट है, दिस एक्ट इज ओनली अंडर द बैनर ऑफ मैरिज. अगर आपने ऐसा नहीं किया है, सपोज यू हैव नॉट डन दिस एंड यू नो देयर हैज बीन एक्ट्स बियॉन्ड आउटसाइड द बैनर ऑफ मैरिज, द यू नो यू कैन रिपेंट, गेट बैक टू द लॉर्ड, टेल हिम दैट यू आर सॉरी फॉर दैट एंड नॉट रिपीट इट. यू नो जस्ट अंडरस्टैंडिंग यू नॉट रिपीटिंग इट. और आप समझ, अगर आपको समझ में आता है ये चीज कि ये मेरे लाइफ में गलती हुई है और अब मैं उससे बाहर निकलना चाहता हूँ, या इस पाप में मैं जी रहा हूँ, मैं रह रहा हूँ और अब इससे बाहर निकलना है, सो यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नो अगर आपने पाप किया है, दिस इज नॉट अ कंडेमनेशन सेशन. ये जो है आज का जो वचन है वो आपको दोषी ठहराने के लिए नहीं है, परंतु ये बताने के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस पाप का भी बलिदान क्रूस कार्ड पे दिया है और उस पाप से भी वो आपको निकालना चाहता है. आप अगर आज उस पाप के विरुद्ध में बोलते हैं या निर्णय लेते हैं, जीसस गोइंग टू हेल्प यू एंड इज गोइंग टू पिक यू अप एंड टेक यू आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम. इसीलिए कई बार जब काउंसलिंग मैं करता हूँ लोगों का, व्हेन आई काउंसिल हस्बैंड एंड वाइफ एंड इफ दे ट्राई टू कोट एन एडल्ट्री दैट हैज हैपेंड यू नो वे बैक, या कुछ समय पहले हुआ है, या अगर चंद दिनों पहले भी हुआ है, बट द पर्सन हैज टोटली रिपेंटेड एंड ही इज नो लॉन्गर इन्वॉल्व इन दैट एरिया, देन वी इनकरेज द पर्सन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट बिकॉज दैट्स अ चैप्टर इन विच जीसस इज ऑलरेडी फॉरगिवन. द पॉइंट इज वी कॉन्सेंट्रेट ऑन द फ्यूचर दैट देयर शुड बी नो अदर इंस्टेंसेज ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटीज आउटसाइड मैरिज. इसलिए उस समय हम लोग ये बताते हैं कि ये जो यौन क्रिया है ये किसी भी तरह से विवाह के बाहर नहीं हो सकती है, और अगर बीते दिनों में हुई है तो आपको पूरी रीति से पश्चाताप करने की आवश्यकता है, और जब आप पश्चाताप कर लेते हैं तो आप नए सिरे से शुरू कर सकते हैं. एंड जीसस इज डेफिनेटली यू नो गुड एनफ टू फॉरगिव यू ऑफ ऑल योर सिंस एंड इनइक्विटीज वंस यू इनवाइट हिम एंड यू रिपेंट फॉर योर सिंस, जिस तरह से आप अपने पाप के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं. So I believe that adultery has three stages. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो व्यभिचार है उसके तीन stages हैं, you know, the three levels. The first level is when there are certain concepts that are growing in your heart. आपके दिल के अंदर कुछ कुछ concept जो हैं वो बहुत अच्छे से बैठ गए हैं, you know, your concepts are embedded in your heart. If your concept is that if I love someone, then I can have sex. अगर आपको ये लगता है कि अगर मैं किसी से प्रेम करता हूँ या करती हूँ तो मैं यौन क्रिया कर सकते हैं, that's a wrong concept as per the Bible. This whole concept should be under the banner of marriage. It should not be under the banner of love. ये प्रेम के अंतर्गत नहीं है, ये विवाह के अंतर्गत है, you know? और जो प्रेम है वो भी विवाह के अंतर्गत है, you know, जहां तक स्त्री और पुरुष के प्रेम के बारे में हम बात कर रहे हैं, you know, I'm talking about the love between a boy and a girl or a husband and a wife. So, ये एक कॉन्सेप्ट है. शुरू में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए. अगर कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग नहीं है फिर आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे. Another concept that you need to have in order to protect the holiness of your body, अगर आपने शरीर को पूरी तरह से पवित्र करना चाहते हैं, आपको ये भी समझना होगा, you have not come from monkeys, आप बंदरों से नहीं आए हैं, you know, it's not like an animal kingdom. In animals, they don't have a concept of marriage. Anybody can have, you know, sexual acts with anybody. You know, जैसे जानवरों में आप देखते हैं कि जानवरों में उनका डिसाइडेड पति या पत्नी नहीं होता है, you know, like a male animal can be involved with many females, you know, and similarly for females. लेकिन आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर ने आपको ऐसे नहीं रचा है. परमेश्वर ने आपको एक पिता दिया है, परमेश्वर ने आपको एक पति दिया है, एक पत्नी दिया, you know, it's like the, you know, choose your gender. आप कोई भी, अगर आप पुरुष हैं तो आपके लिए एक पत्नी दी है, और अगर आप पत्नी हैं तो आपके लिए एक पति दिया है. सो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट
these concepts need to be really, really very tightly held in our heart. The first concept is that sexual act is not under the banner of love. You know, if we love someone, then there's no concept, you know, of sex. और दूसरा बात ये कि आपको ये समझना है कि परमेश्वर का विशेष आज्ञा है इसके तरह. ये ऐसे नहीं है कि जैसे जानवर कर सकते हैं वैसे ही हमें. मैन इज ऑल्सो अ सोशल एनिमल. तो ये बिल्कुल भी गलत है. उसके बाद अनदर कॉन्सेप्ट इज दैट इफ आई एम नॉट टेकिंग एडवांटेज और इफ इट्स लाइक वी बोथ आर विलिंग एंड वी बोथ अग्री एंड यू नो देयर इज नो pressure or emotional blackmail or that sort, then also this act is fine, you know. कई बार लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हम किसी पर दबाव नहीं डाल रहे हैं या वो भी स्वतंत्र है, मैं भी स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्रता में आकर के इस कार्य को कर रहे हैं तो ये कोई इशू नहीं है. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, इट माइट नॉट बी इशू विद द गवर्नमेंट, इट माइट नॉट बी इशू विद द लॉ, बट एज पर द बाइबल सेक्स कैन ऑलरेडी हैपन, ओनली हैपन अंडर द बैनर ऑफ मैरिज. सो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पूरी तरह से ठीक करना पड़ेगा. वंस योर कॉन्सेप्ट इज राइट देन यू कैन एक्चुअली ट्रेन योर ब्रेन. जब आपके सिद्धांत सही है तब फिर आपका दिमाग जो है वो बिल्कुल सही रीति से चलेगा, यू नो. एंड दैट्स वाई यू नो आई फील दैट ऑल द मैरिड पीपल need to pray this prayer every day, you know, or once a week, you know. You need to pray that, Lord, I pray that all my sexual activities are just limited to my wife or my husband, you know. इसीलिए ये प्रार्थना जो है हर एक व्यक्ति कर सकता है कि प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरे यौन क्रिया की सारी बातें सिर्फ मेरे पति या सिर्फ मेरे पत्नी तक ही सीमित रहे. यू नो यू कैन प्रे दिस प्रेयर एंड व्हेन यू आर प्रेइंग दिस प्रेयर देन यू आर सेटिंग सर्टेन डॉक्ट्रिन्स इन योर हार्ट आल्सो. तब आप कुछ सिद्धांत जो है आप अपने दिल के अंदर बना रहे हैं. और आप ये भी करेंगे, ये भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मैं इस चीज को मानता हूं कि यौन संबंध सिर्फ विवाह के अंदर हो सकते हैं. You know, you can also pray that, Lord, I pray that let all sexual activities be limited to my marriage, you know, inside the banner of my marriage and inside the banner of one marriage, you know, ek vivah ke antargat ye ho sakta hai. So, you know, there are parallels of salvation in this, you know, jaise ki aap प्रभु यीशु मसीह की जब उपासना करते हैं आप किसी और की उपासना नहीं कर सकते हैं. आप किसी और के लिए गीत नहीं गा सकते हैं. आप यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्युलर सॉन्ग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट किसी और परमेश्वर या भगवान, सो कॉल्ड गॉड एंड गॉडेसेस. यू कांट रियली सिंग फॉर देम, यू कांट वर्शिप देम, यू नो. इसी रीति से आपका जो यौन संबंध है वो सिर्फ बाइबल, वो सिर्फ आपके विवाह के अंतर्गत ही हो सकता है. Now, Jesus actually goes beyond. प्रभु यीशु मसीह जो है वो इससे आगे चले जाते हैं और इससे आगे ये कहते हैं कि अगर किसी ने किसी को देख भी लिया बुरी रीति से तो उसने व्यभिचार कर दिया. You know, even if you see a girl and a you know and a girl sees a boy with a wrong motive, you have already committed adultery. And that actually tells us that Jesus wants to educate us in our doctrines. प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि तुम उस तरफ जाओ ही मत. You know, is have a principle, have a principle of running away like Joseph. You know, when there was an option to do adultery in his life, he ran away. You know, वो भाग गया वहाँ से. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि तुम वैसा सोचो भी मत. और you know, for example, I can't even think of following some other god. I can't even think of worshipping some other deity. I can't think of, you know, praying for somebody else, to somebody else for my healing, for sickness, you know. I can't even think, you know. उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते, you know. That's what Jesus is giving an example. And we all might have sinned in that area. हम लोग सब लोग ने इस भाग में पाप किया होगा और इस मामले में भी हम प्रभु यीशु मसीह से पश्चाताप कर सकते हैं. बट आई वांट टू एनकरेज यू दैट यू हैव टू सेट योर डॉक्ट्रिन्स राइट. आपको अपने सिद्धांत इस क्षेत्र में, अपने शारीरिक होलीनेस, शारीरिक
पवित्रता के लिए आपको इन सारे डॉक्ट्रिन्स को बहुत अच्छे से समझना है, और जब आप इन डॉक्ट्रिन्स को समझेंगे तब आपका सोचने का जो तरीका है वो भिन्न हो जाएगा. सो आई डोंट वॉन्ट टू यू नो ड्रैग दिस, बट आई हैव गिवन यू सर्टन कॉन्सेप्ट्स. मैंने कुछ और कॉन्सेप्ट्स आपको दिए हैं अपने शारीरिक पवित्रताई के लिए. You can live a very holy life as far as your body is concerned if you just understand marriage really well. अगर आप विवाह को बहुत अच्छे तरह से समझ लेते हैं तो आप इस holiness concept को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं. So let's just pray as we end. आइए हम लोग प्रार्थना कर करके इसको खत्म करेंगे. और मैं नहीं जानता हूँ कि आपका क्या सिचुएशन है अभी. I don't know your situation, but I just want to pray for the pointers I preached for. मैं इस समय उन बिंदुओं के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ जिसके बारे में मैंने अभी प्रचार किया है. आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं. Let's just pray. Father Lord, come before you right now, and we pray, Lord Father, that you will help us to be very holy in our physical dealings. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे शरीरों को एक पवित्र बलिदान के रूप में इसी समय एक्सेप्ट करेंगे. लॉर्ड, आई वी ऑफर आवर बॉडीज एज होली एंड लिविंग सैक्रिफाइसेस बिफोर यू. प्रभु जी, हम अपने शरीरों को आपको बलिदान करते हैं, आपको देते हैं प्रभु जी, एक पूरे स्वच्छता के साथ, एक आत्मिकता के साथ प्रभु यीशु मसीह, एक पवित्रता के साथ. And Lord, as we do that, Lord Father, help the right concepts to just come in our heart, ताकि हमारे दिल के अंदर जो है बिल्कुल ही सही बातें, सही सिद्धांत बैठ सके प्रभु जी. हम समझ सके कि यौन क्रिया जो है वो सिर्फ शादी के अंतर्गत हो सकती है. हम समझ सके प्रभु जी कि विवाह का क्या मोल है. हम समझ सके प्रभु यीशु मसीह कि हम अपने शरीरों को पवित्र रख सके. लॉर्ड, हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेक्स अंडर मैरिज, हाउ इज sex supposed to happen only under marriage. Help us to understand, Lord Father, the holiness that we need to carry in our life. Help us to understand, Lord Father, that what are your doctrines and your principles. Lord, I pray if anybody has fallen short in this area, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, मेरे को जितने लोग भी सुन रहे हैं, अगर उसमें कोई सा भी ऐसा है जिसके विवाह में व्यभिचार हो गया प्रभु जी, या विवाह के पहले हो गया प्रभु यीशु मसीह, प्रभु जी हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि आप सबको इस समय पवित्र करें, अपनी सामर्थ भेजें प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से उन्हें बनाए, that no matter what sin they have done, Lord Father, you are ready to accept them and you are ready to accept their repentance. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जिस तरह से वो पश्चाताप करते हैं, वापस आपके समय आते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आने वाले दिनों में उनके विवाहों को बिल्कुल ठीक करें लॉर्ड फादर. इफ दे आर बैचलर्स और स्पिंस्टर्स लॉर्ड फादर, आई प्रे लॉर्ड फादर दैट दे वुड बी will really have excellent marriage is in the coming days. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि बहुत अच्छा उनका शादीशुदा जीवन होगा. लॉर्ड, आई प्रे दैट यू विल जस्ट रिलीज योर फेवर एंड योर ग्रेस ओवर एवरीबॉडी हु हैज लिसन्ड टू दिस थॉट्स. लॉर्ड, प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इन सारे बातों को आप और अच्छे से अपनी आत्मा के द्वारा में बताएंगे प्रभु जी, और अपना अनुग्रह देंगे. In Jesus' name I pray. Yeshua.